राशन दुकानों पर मनमानी कालाबाजारी रोकने के लिए शासन स्तर पर किए जा रहे तमाम प्रयासों के बाद भी शिकायतें थमते नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को आदिवासी बाहुल्य इलाके धुलकोट स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सेल्समैन, संचालक एवं ऑपरेटर की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाते हुए तीनों को तत्काल पद से हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो खंडवा में मुख्यमंत्री के दौरे के समय वे शिकायत करेंगे। सालेग्राम किराड़े ने बताया कि दुकान संचालक सेल्समैन सुरेश डुडवे तथा कंप्यूटर ऑपरेटर गंपू द्वारा न तो समय पर दुकानें खोली जाती हैं, न ही समय पर राशन वितरित किया जा रहा है। शासन स्तर पर कोरोना काल में केंद्र की फ्री एवं सीएम की सस्ते दरों पर मिलने वाले राशन में भी कटौती की जा रही है। ज्यादातर लोग मजदूरी पेशा हैं, जो अन्यत्र काम पर चले जाते हैं। यदि वे एक माह का राशन नहीं ले पाते, दूसरे माह राशन नहीं दिया जाता। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। गरीबों के हक का खाद्यान्न देने में अनियमितता के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर महीने का पूरा राशन नहीं दिया जाता। कुछ कहते हैं तो अभद्रता करने लगते हैं, मारपीट को उतारू हो जाते हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। क्या मामला है ये? सर, हम ग्राम पंचायत धुलकोट से आए हैं। हमारे यहाँ राशन प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण किया जा रहा है और जो परमानेंट राशन मिल रहा है उसमें बहुत ही अनियमितता की जा रही है एवं राशन कम दिया जा रहा है। किसी व्यक्ति को 9 व्यक्ति है तो उसके 45 किलो बनते हैं और गरीब कल्याण योजना के तहत अगर उसका राशन डबल किया जाए तो 90 किलो बनता है। उसके 72 केजी गेहूँ बनते हैं और 18 किलो चावल बनते हैं, जैसे 90 हो जाते हैं। लेकिन उसी हितग्राही को 50 किलो राशन दे दिया जाता है और 8 किलो चावल वही खा जाते हैं। आपने कोई शिकायत नहीं की इसकी? हमने शिकायत नहीं की सर, हम सब हमारे साथी हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला उनको आप लोग राशन कम दे रहे हो, तो वो लोग हमारे पे हावी हो गए और मारपीट करने लगे। किसके साथ मारपीट की? आपके साथ? जी सर, मेरे साथ भी की। हाँ, और मारपीट? जी सर, किन्ने करी है मारपीट? सुरेश डुडवे। हाँ सर, कौन है सुरेश डुडवे? सुरेश डुडवे वहाँ सर सेल्समैन है सर, धुलकोट का। जी सर, और वहाँ का जितना भी संचालक है वो किसी से भी पूरे हमारे जो हितग्राही आते हैं उनके साथ भद्र व्यवहार करते हैं और किसी भी इंसान को वहाँ अंदर नहीं घुसने देते हैं और राशन भी कम देते हैं और पैसे भी ज्यादा लेते हैं, जबकि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में पैसे लेने का अधिकार नहीं है। आपने ज्ञापन साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है वहाँ पे सर। कई महिलाएं राशन लेने नहीं जाती है और वहाँ पर एक हितग्राही को अगर थंब ये मतलब फिंगर नहीं लगता है तो उसे पूरे महीने का राशन भी नहीं दिया जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी चलता है सर कि एक महीने का अगर राशन अगले महीने मिलता ही नहीं है, मतलब एक महीने का राशन कहीं को गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करने चले जाए तो उस चीज़ को दूसरे महीने नहीं दिया जाता है सर। और क्या मांग है आपकी? सर, हमारी ये मांग है कि जो सेल्समैन है और जो संचालक है और जो ऑपरेटर है इनके द्वारा बहुत अभद्र टिप्पणी भी की जाती है हमारे पे और दुर्व्यवहार भी किया जाता है और हमारे साथ मारपीट भी हुई है। क्या बोलते हैं आपके बारे में वो? वो सर, तुम क्यों घर जाके बताते हो कि राशन ज़्यादा मिल रहा है? मैंने कहा उनसे कि सर मैंने सामा सेवा हूँ और मैं उनको बताऊंगा जो आगे से मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सालकराम किराड़े। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो अगली योजना आपकी क्या है? हमारी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। खंडवा में मुख्यमंत्री डेली आते हैं सर, और अभी जाएंगे और एक दो दिन में अगर वो आएंगे तो वहाँ पर भी जाएंगे अभी और बताएंगे हम। क्या नाम तुम्हारा एक बार? मेरा नाम सर सालकराम किराड़े। कहाँ रहते हो? सर, धुलकोट, नया बिलवा, नक्टी बेड़ी। Subscribe now to most exciting channel ever.